केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने आज अटेली हलके के अनेक गांवों के दौरे किए और अटेली से भाजपा प्रत्याशी आरती राव के लिए वोटों की अपील की। उन्होंने लोगों को निमंत्रण देते हुए कहा कि आगामी 28 सितंबर को भोजावास में दोपहर 12 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी भाजपा प्रत्याशी आरती राव के समर्थन में जनसभा करेंगे। इस जनसभा में अधिक से अधिक लोग अपनी भागीदारी दिखाएँ। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि हरियाणा में सरकार बनाने को लेकर दक्षिणी हरियाणा का विशेष योगदान रहा है, चाहे वो वर्ष 2014 के चुनाव रहे हों या फिर वर्ष 2019 के, और इस बार भी दक्षिणी हरियाणा में भाजपा अधिक से अधिक सीटें जीतकर हरियाणा में बनने वाली सरकार में भागीदारी दिखाएगी। उन्होंने कापड़ीवास द्वारा राव इंद्रजीत पर लगाए गए गंभीर आरोपों को लेकर सफाई देते हुए कहा कि अगर आज कापड़ीवास जिंदा है तो वह इसलिए कि मेरा विरोध करते हैं। जिस दिन मेरा विरोध करना बंद कर देंगे शायद वो जिंदा ही ना रहें। राव इंद्रजीत सिंह ने मंच से अपने भाषण में कहा कि अटेली से विधायक सीताराम को लेकर मैंने उनका मन दुखाने वाली कोई बात नहीं कही। जो बात कही थी वह किसी और के लिए थी। हमारे विधायक सीताराम हैं और आरती राव के जीतने के बाद भी बचे हुए विकास कार्य भी करवाएंगे। और कुछ दुष्ट प्रचार इस किस्म का भी किया गया कि शायद मैंने सीताराम जी को एक निशाना बनाया जब मैं भाषण दे रहा था बिहारी के अंदर। तो आज पहली बार मैं यहाँ अटेली हलके के अंदर आया हूँ और मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सीताराम जी मेरा निशाना नहीं थे, नहीं थे, नहीं थे। निशाना कोई और था, मैं इनके ऊपर गई जनता के अंदर रहते हुए भी और भीतर घात करने लग रहे। मेरा निशाना उन पर आज भी है, लेकिन कोई यूं ना समझे कि मेरा निशाना सीताराम जी के ऊपर है। और सीताराम जी को मैं यूं कहना चाहता हूं कि सीताराम जी आरती पूरे काम नहीं करवाएगी, जो रह गए हैं वो पूरे काम आप करवाओगे, क्योंकि आप ही आज के दिन हमारे मिलने के तौर के ऊपर कार्यरत रहोगे। लावड़ी चल रही है, गर्मी भी बहुत ज्यादा आज के दिन पड़ रही है। गर्मी के बावजूद इतनी भारी संख्या के अंदर यहाँ पर जो लोग उपस्थित हुए हैं वो यही दर्शाता है कि लोगों का मन भारतीय जनता पार्टी के प्रति बन गया है और यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट आरती राव को लोग यहाँ से जिता करके भेजेंगे। कापड़ीवास मैं कहता हूँ कि जो मेरे प्रति उसकी घृणा है ना, वही उसको जिंदा रख रही है। अगर मेरे को उल्टा सीधा नहीं करेगा तो शायद वो जिंदा ही ना रहे। 28 तारीख को योगी आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर यूपी भोजावास पधार रहे हैं 12 बजे। लोगों को मैंने निमंत्रण दिया है कि वो कांग्रेस के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के अंदर प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, तो उनके लिए लोगों को मैंने आमंत्रित किया है। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? रिस्पॉन्स बढ़िया मिल रहा है, जीतेंगे।